तो देखिए कांग्रेस विधायकों से वन टू वन फीडबैक के दौरान फिर से आज एक आवाज बुलंद होती हुई नजर आई। आवाज थी सीएम अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाने की। गहलोत समर्थक आदिवासी क्षेत्र के विधायकों ने खुलकर सीएम अशोक गहलोत को चौथी बार आगे आने वाले चुनावों में भी सीएम बनाने की पैरवी की। और सोमवार को भी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा था कि एक बार फिर से गहलोत सरकार। इससे साफ है कि गहलोत कैंप के विधायक लगातार फीडबैक संवाद में गहलोत को अगले चुनाव में सीएम फेस बनाने की मांग कर रही है। राजस्थान ट्राइबल क्षेत्र में अशोक गहलोत लोकप्रिय है, इसका अंदाजा वहां के कांग्रेस विधायकों की बुलंद होती आवाज से पता चलता है। प्रतापगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी विधायकों ने फिर से अशोक गहलोत की सरकार की बात की। दरियाबंद से कांग्रेस विधायक नगराज मीणा ने कहा कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं तो हाईकमान दूसरे को क्यों चेहरा बनाएगा। अगला चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। गहलोत सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किए, इसलिए गहलोत को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि गहलोत को चौथी बार सीएम बनाकर ही दम लेंगे, क्योंकि चार साल में जो विकास के काम हुए हैं वो जनता के मुंह पर है। परंतु राजस्थान की सरकार जनता के लिए बहुत कुछ काम किया है। आप ताजुब करोगे, गरीब आदमी का फ्री में इलाज होना ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। 25 लाख रुपए गरीब कहाँ से लाता, पूरी जायदाद बेच देता, 25 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं कर सकता था, जो राजस्थान की सरकार कर रही है। सरकार की योजना धरातल पर पहुंच रही नहीं पहुंच रही, कितने लोगों को फायदा मिला और आपके क्षेत्र की क्या क्या मांग है वो मैंने बताई रखी है मैंने मांग। वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनता तो खुश है गहलोत साहब की जो योजना है धरातल पर लागू भी हुई, लोगों को फायदा भी मिल रहा है। वहीं कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक शमिला खड़िया का कहना है कि मैं गहलोत के साथ हूं और रहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मेरा टिकट क्यों काटा गया, लेकिन अब आगे मुझे टिकट दिया जाएगा। मैं कांग्रेस के साथ हूं, पहले भी थी और आगे भी रहूंगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि गहलोत के साथ हैं और रहेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी और हाईकमान के साथ हूं। मैं कांग्रेस के साथ हूं, पहले भी थी और आज भी हूं। टीएसपी क्षेत्र के अंदर नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनको गृह क्षेत्र में भेज करके रीट 2012 की 22 की जो भर्ती है उनमें पद बढ़ाए जाए और जहां जहां जो पोस्ट वैकेंट होती है उनपे वहां स्थानीय युवाओं को बेरोजगारों को मौका मिले। ये बात भी हमने लगभग सारे विधायकों ने माने मुख्यमंत्री जी को, रंधावा साहब को और पीसीसी प्रेसिडेंट को हमने कही है। आदिवासी अंचल के विधायकों ने अपनी बात की, अपनी मांग उठाई है, ट्राइबल पार्टी को लेकर बात की है, उसको रोकने को लेकर सुझाव दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भील प्रदेश को लेकर जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के वो भी ये चाहते हैं कि स्टेट ऐसा होना चाहिए जो आदिवासियों का हो और आदिवासियों के हकों को पूरा करता हो। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।